अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जब आपके पास एक इंस्टाग्राम पे शॉप हो, एक बिजनेस हो, तो आप किस किस तरह का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन तरह के मेन कंटेंट पीसेस आप अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं। एक होता है प्रमोशनल स्टाइल, एक होता है नॉन प्रमोशनल, और एक होता है UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब मैं आपको एक एक अलग अलग करके समझाती हूँ। पहला जो है वो है प्रमोशनल। प्रमोशनल जो है वो बहुत ऑब्वियस है। वो बेसिकली ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आप डायरेक्टली अपनी चीज़ को मार्केट कर रहे हो, जिसमें लोगों को पता चल रहा हो कि आपका ये प्रोडक्ट है या ये सर्विस है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कोई आपने पिक्चर खींच ली अपने प्रोडक्ट की, वो डाल दी और नीचे उसके बारे में लिख दिया, उसके बारे में बता दिया। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑनेस्ट को देख लेते हैं। ऑनेस्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर इनकी ये एक है, बाथ टाइम एसेंशियल्स फैम, व्हाट आर योर ऑनेस्ट बाथ टाइम गो टूज। ठीक है, तो ये प्रमोशनल इनकी एक पोस्ट है, लेकिन इसमें इन्होंने सवाल लोगों से पूछा है उनको इंगेज करने के लिए, ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि वो भी इंटरेक्ट करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि इनकी बाथ टाइम एसेंशियल्स हैं। फिर है एक और, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये एक एग्जांपल है और जो इनकी प्रोडक्ट का है, डायरेक्ट प्रमोशनल कंटेंट है। फिर इनका प्रमोशनल कंटेंट का एग्जांपल है ये भी, रीजंस टू गेट एक्साइटेड अबाउट ऑनेस्ट बेबी क्लोथ्स, जहाँ पे इन्होंने क्लोथ्स के बारे में बताया हुआ है, 100% ऑर्गेनिक कॉटन सर्टिफाइड, निकल फ्री, ईजी इन एंड आउट एंड टर्न बैक कफ्स, राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में है, प्रोडक्ट की ही बात की हुई है। तो ये प्रमोशनल कंटेंट होता है जिसमें स्ट्रेट अप आपने अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की बात की है। दूसरा जो टाइप ऑफ कंटेंट है वो है आपका नॉन प्रमोशनल कंटेंट। नॉन प्रमोशनल कंटेंट वो होता है जो नॉर्मली आपकी प्रोडक्ट, जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसके बारे में डायरेक्टली नहीं होता, बट ये होता है आपके ब्रांड की फिलॉसफी के बारे में होता है या आपकी आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट के बारे में मोस्टली होता है। अच्छा, नॉन प्रमोशनल कंटेंट की एग्जांपल ये है, जैसे ऑनेस्ट में ये है, नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग, स्टाइलिंग क्यूट, वर्क फ्रॉम होम पिक्स एंड पोस्टिंग गोरमे मील्स यू हैव कुक्ड, मोर लाइक वॉचिंग माई किड्स फेवरेट मूवी फॉर द 100th टाइम इन द सेम जॉगर्स आई वोर ऑल वीक, ईटिंग बॉक्स मैक एंड चीज फॉर द 7th डे स्ट्रेट। ठीक है, जिसमें उन्होंने बस एक ऐसी चीज़ डाल दी है जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, जिससे पेरेंट्स रिलेट कर सकते हैं, जो इनकी टारगेट ऑडियंस है, जो इनका सामान खरीदती है, जिससे वो रिलेट कर सकते हैं। तो उनको पता है कि इनको वही लोग फॉलो करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक रिलेटेबल सी चीज़ डाल दी। इसमें ना किसी प्रोडक्ट की बात है, ना किसी प्रोडक्ट का नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक स्किन केयर ब्रांड होता तो नॉन प्रमोशनल कंटेंट इस तरह होता कि मैं शायद एक वीडियो बना लेती या एक पिक्चर्स डाल लेती जिसमें बता देती कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन कौन कौन सी होती हैं, राइट, बस ये बता देती ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो ये भी नॉन प्रमोशनल कंटेंट है, इसमें किसी प्रोडक्ट की बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर से रिलेटेड है तो हमने स्किन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दी। ये भी एक एग्जाम्पल है ऑनेस्ट का, थिंग्स आई सेड गुड बाय टू फॉर नाउ, स्क्रीन टाइम लिमिट्स, बेड टाइम, डेज ऑफ द वीक, जीन्स, टाटा फॉर नाउ। और फिर लोगों से उन्होंने नीचे पूछ लिया, व्हाट एल्स हैव यू सेड गुड बाय टू ड्यूरिंग क्वारंटीन। तो उन्होंने देखा कि भाई क्वारंटीन चल रहा है, पेरेंट्स के लिए क्वारंटीन कैसा होता है, क्या वो कर रहे होंगे आजकल अपने रूटीन में, तो उन्होंने एक रिलेटेबल सी पोस्ट उन लोगों के लिए बना दी। अब हम देखते हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट पे। अच्छा, यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? यूज़र जनरेटेड कंटेंट वो होता है जो आपके यूज़र्स बनाते हैं। तो यानी वो आप नहीं क्रिएट करते, मतलब वो पिक्चर आप नहीं खींचते, वो वीडियो आप नहीं बनाते, वो ग्राफिक्स आप नहीं बनाते, वो जो आपको फॉलो करते हैं या जो आपके सामान के यूज़र्स हैं वो बनाते हैं, वो पोस्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, किसी का रिव्यू आ सकता है, किसी ने आपके प्रोडक्ट की पिक्चर ली और रिव्यू डाला तो वो आपने लेकर अपने पेज पर डाल दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट, वो कॉन्टेंट जो आपके यूज़र्स ने जनरेट किया हो, ठीक है, या उन्होंने आपकी कोई चीज़, कोई पिक्चर डाली हुई है और आपके कपड़े पहने हुए हैं या आपके जूते पहने हुए हैं, या कोई वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने आपका मेकअप
यूज़ करते हुए दिखा है, तो वो आप लेते हैं और वो आप डालते हैं, तो इसको यूज़र जनरेटेड कंटेंट कहते हैं। अब हम ऑनेस्ट पे देखें तो एक एग्जांपल ये है जिस पे उन्होंने कहा है, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द डैड्स आउट देयर होल्डिंग द फैम ऑन देयर बैक्स एंड इन देयर आर्म्स वी सी यू एंड वी ऑनर यू। तो अब फादर्स जो हैं, अब इसमें भी इनकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, लेकिन फादर्स इनकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियंस है और उनको उन्होंने वो इंपॉर्टेंस दी, उनको ऑनर किया, उनको अच्छा फील कराया। और ये पिक्चर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किसी और ने ली है, किसी और की है और उन्होंने वो यूज़ की है अपने प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये नॉन प्रमोशनल कंटेंट भी है और ये यूजीसी भी है। दूसरी की एग्जांपल ये आ जाती है, मैम ये जहाँ पर किसी ने अपने और अपनी बच्चे की पिक्चर साथ डाली हुई है और थोड़ी बहुत कोई चीज़ शेयर की हुई है, राइट। और फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है वाइज वर्ड्स फ्रॉम आवर मॉम क्रश मंडे और उनको टैग किया हुआ है, उनसे उन्होंने लेकर अपने उस पर डाला है, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो दूसरे लोग लेते हैं और आप डालते हैं। अब ये भी एक एग्जांपल है जिसमें एक बच्चा है, वो बबल बाथ ले रहा है और इनका पीछे सामान भी पड़ा है, इनका शैम्पू पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने खुद नहीं खींची, ये किसी और ने खींची है, इनके किसी यूजर ने खींची है, इनके सामान के यूजर ने खींची है और इन्होंने उसको लेकर अपने प्लेटफॉर्म पे डाला है। तो इसको यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि तीन तरह से आप कंटेंट अपने उस पे बना सकते हैं। जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो तीनों तरह के कंटेंट को यूज करते हैं, वो यूज़र जनरेटेड भी यूज़ करते हैं, प्रमोशन भी यूज़ करते हैं और नॉन प्रमोशन भी करते हैं, जैसे कि ये ब्रांड ऑनेस्ट मैंने जो आपको दिखाया। तीनों तरह की इन्होंने यूज़ की हुई हों और कभी वो कुछ डालते हैं, कभी वो कुछ डालते हैं, कभी वो कुछ डालते हैं। यूज़र जनरेटेड कंटेंट इस तरह आप क्रिएट करते हैं कि आप अपने पेज पे चैलेंज डाल देते हैं कि हम इस वीक आप ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हुए पिक्चर्स भेजें, बेस्ट वाली पिक्चर्स को हम अपने पेज पे फीचर करेंगे, फिर लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो फीचर करते हैं, या फिर वो उसके साथ कोई गिव अवे कर देते हैं कि आप हमें भेजें और हम आपको गिफ्ट भेजेंगे ताकि लोग इनमें पार्टिसिपेट करें और वो कॉन्टेंट वो अपने पेज पर डालें। तो ये आप इस तरह लोगों को चैलेंजेस दे के, उन्हें इनक्रेज करके उन्हें फीचर करें, जितना आप लोगों को फीचर करेंगे उतने और लोग इनक्रेज होंगे और वो डालेंगे। यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे आप अपने फॉलोअर्स को, अपने यूजर्स को इन्वॉल्व और एंगेज रखते हैं अपने साथ और वो आपकी एक कम्युनिटी का हिस्सा फील करते हैं और वो इम्पोर्टेंट फील करते हैं। इसीलिए नॉन प्रमोशनल कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत जरूरी होता है। आपको शायद ये हो कि देखें इसमें तो हमारा कोई प्रोडक्ट भी नहीं है और हमारी कोई बात नहीं है तो हम नॉन प्रमोशनल कंटेंट क्यों बनाएं। नॉन प्रमोशनल कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो भी लोगों को इंगेज करता है और उसमें लोगों को ये भी महसूस होता है कि भाई आप हर वक्त अपनी चीज़ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे लेकिन हमें भी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक स्किन केयर की एग्जांपल दी कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं तो आप स्किन के बारे में लोगों को कुछ चीज़ें या फैक्ट्स बता सकते हैं या मिथ्स बस्ट कर सकते हैं या उनकी कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है उसमें प्रोडक्ट के बारे में हो, तो ये एक बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। और प्रमोशनल तो जाहिर है आपको करना ही है क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे आपकी शॉप है और आपका ब्रांड है और आपका बिजनेस है और आपने अपनी जो भी चीज़ है, जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर आप एक बहुत अच्छी कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कॉन्टेंट बना सकते हैं और लोगों को इन्वॉल्व और इंगेज रख सकते हैं। इससे पेज आपका ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, ज़्यादा फॉलोएबल भी होता है, लोग हमेशा एंगेज रहते हैं, ठीक है। वो लोग हर वक्त अपनी फीड्स पे, अगर उनको ख़रीदना नहीं है, अगर फ़िलहाल उनको आपसे कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बोर हो के आपको अनफॉलो कर दें, ठीक है। अगर वो अभी नहीं भी ख़रीदना चाह रहे तो वो तब भी आपको फॉलो करें क्योंकि आप और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने पेज के ऊपर डालते हैं जिससे लोग एंटरटेन होते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ उनको अच्छा लगता है, लोगों को ये फील होता है कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं और आप अपने यूजर्स को और कंज्यूमर्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अब यही सारा कॉन्टेंट, यूजर जनरेटेड, प्रमोशनल, नॉन प्रमोशनल कॉन्टेंट आप फोटोज़ के फॉर्म में कर सकते हैं, वीडियोस के फॉर्म में कर सकते हैं, IGTV वीडियोस के फॉर्म में कर सकते हैं, इवन स्टोरीज में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल्स की बात करेंगे कि आप किस किस तरह के विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं आप कंटेंट में, तो स्टे ट्यून्ड, उसके बारे में अगली दफ़ा बात करेंगे।